बच्चों अभी हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ का पेज नंबर 8 आफ्टर एंड इन बिटवीन। बिफोर हम पढ़ चुके हैं, आज हम आफ्टर एंड इन बिटवीन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे 6 लिखा है और बॉक्स पे कुछ नहीं लिखा है, तो 6 का आफ्टर नंबर क्या होगा इस बॉक्स में हम लिखना है। 6 इज जस्ट आफ्टर, 6 इज जस्ट आफ्टर जस्ट लगा है तो 6 का पास कौन सा नंबर होता है? 6 के पास 6 इज जस्ट आफ्टर। देखो 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद 6 आता है तो 6 इज जस्ट आफ्टर, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अभी नीचे देखो यहाँ पे 3 लिखा है, 3 इज जस्ट आफ्टर, बॉक्स पे कुछ नहीं लिखा है। 3 इज जस्ट आफ्टर तो 3 किसके बाद 3 आता है? 1 2 3, 2 के बाद 3 आता है तो 3 इज जस्ट आफ्टर, यहाँ पे 2 होगा। 9 इज जस्ट आफ्टर, बॉक्स में कुछ नहीं है तो फिर काउंट करेंगे किसके बाद 9 आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 के बाद 9 आता है, 9 इज जस्ट आफ्टर 8, यहाँ पे 8 देखो ये हो गया। 6 इज जस्ट आफ्टर 5, 3 इज जस्ट आफ्टर 2, 9 इज जस्ट आफ्टर 8। अब इस तरफ का देखो, पहला बॉक्स है, बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है और ब्लैंक से डेस्क इज जस्ट आफ्टर 4, किसका आफ्टर 4 होगा? फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4, 3 के बाद 4 होता है तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 इज जस्ट आफ्टर 4। नीचे का फिर बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक से डेस्क इज जस्ट आफ्टर 7 लिखा है तो फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 के बाद 7 तो यहाँ के लिए ना 6, 6 इज जस्ट आफ्टर 7। अभी नीचे का बॉक्स में कुछ नहीं है, यहाँ पे 9 है, डेस्क इज जस्ट आफ्टर 9, फिर काउंट करना है हमें किसके बाद 9 होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 के बाद 9 हुआ तो यहाँ लिखना है हमें 8 इज जस्ट आफ्टर 9। यहाँ पे जस्ट लगा है इसीलिए जो जस्ट होगा उसके पास जो नंबर होता है वही होगा। 6 इज जस्ट आफ्टर 5, 3 इज जस्ट आफ्टर 2, 9 इज जस्ट आफ्टर 8, 3 इज जस्ट आफ्टर 4, 6 इज जस्ट आफ्टर 7, 8 इज जस्ट आफ्टर 9। आफ्टर हो गया, अभी हम इन बिटवीन। बिटवीन मतलब जो बीच में होता है, दोनों नंबर के बीच में जो नंबर होता है उसका बिटवीन बोलते हैं। यहाँ पे पहले 6 लिखा है, 6 इज इन बिटवीन, बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे ए एंड डी एंड है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कौन कौन सा नंबर के बीच में 6 आता है हम अभी काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, पहले क्या हुआ? 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 5 6 7 मतलब 5 एंड 7 का बिटवीन 6 होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे 5 लिखेंगे, इस बॉक्स में 7 लिखेंगे तो 5 एंड 7 का बिटवीन 6 हुआ, 5 7 का बिटवीन 6 हुआ। अभी नीचे देखो 3 लिखा है, 3 इज इन बिटवीन डेस्क एंड डेस्क, दोनों बॉक्स में कुछ नहीं है तो किस किस का बिटवीन 3 होगा? अभी फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 2 3 4, क्या 2 3 4, तो 2 और 4 के बीच में 3 आया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे फिर यहाँ 4 लिखेंगे। देखो 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है तो 2 एंड 4 का बिटवीन 3 हुआ, 2 एंड 4 का बिटवीन 3। अभी नीचे का देखो 9 इज इन बिटवीन डेस्क एंड डेस्क, तो किन किन नंबर के बीच में 9 होता है? फिर चलो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
नाइन टेन, एट नाइन टेन, एट नाइन टेन। तो पहले क्या एट, यहाँ पे हम एट लिखेंगे, यहाँ पे वन जीरो टेन लिखेंगे। एट के बाद नाइन होता है, नाइन के बाद टेन होता है, तो एट और टेन का बिटवीन नाइन हुआ, एट एंड टेन का बिटवीन नाइन। अब नीचे का देखो, पहले यहाँ पे नंबर था और यहाँ पे कुछ नहीं था, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे नौ दो ठो नंबर है। देखो डेक्स लगा है, कुछ नहीं है, ब्लैंक से बॉक्स इज इन बिटवीन फाइव एंड सेवन। फाइव एंड सेवन का बिटवीन क्या होगा देखो, कभी काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सेवन। तो यहाँ पे फाइव और सेवन है, फाइव और सेवन का बिटवीन क्या होगा, मतलब फाइव एंड सेवन का बीच में कौन सा नंबर आता है। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन। तो फाइव एंड सेवन का बीच में कौन सा आया, सिक्स हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्स, फाइव एंड सेवन का बिटवीन सिक्स होगा। अभी देखो, अभी बॉक्स ब्लैंक्स है, इच इन बिटवीन एट एंड टेन, एट एंड टेन का बीच में कौन सा नंबर आता है, चलो काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एट नाइन टेन, एट के बाद नाइन, नाइन के बाद टेन। तो एट एंड टेन का बिटवीन क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे नाइन, एट एंड टेन का बिटवीन नाइन, एट एंड टेन का बिटवीन नाइन। तो ये हमारा हो गया आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर, ये आपको हम जैसे समझाए ऐसे ही लिखना है।